हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इस बीच आरएसएस ने केंद्र को सुझाव दिया कि 40% विधायकों के टिकट पर नए चेहरों को टिकट दिया जाए, जिस पर विज ने कहा कि संगठन और आरएसएस शुरू से मिलकर काम करता है, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर अमल होगा। साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बयान पर जवाब दिया। खबर रिपोर्ट के जरिए हरियाणा में चुनाव से पहले एक बार फिर संघ और बीजेपी आमने सामने हैं। आरएसएस ने केंद्र को सुझाव दिया कि 40% सिटिंग विधायकों की टिकट काटी जाए और नए चेहरे को टिकट दी जाए। इस पर विज ने कहा कि संगठन और आरएसएस शुरू से मिलकर काम करता है, अगर उन्होंने कोई सुझाव दिया है तो उस पर अमल होगा। साथ ही उन्होंने वीरेंद्र सिंह के बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के 47 विधायक उन्होंने बनाए। साथ ही चिरजीवी यादव की तरफ से कांग्रेस सरकार बनने पर उप मंत्री पद की दावेदारी पर भी तंज कसा और जेपी दलाल के वायरल वीडियो पर भी जवाब दिया। वहीं वीरेंद्र सिंह के बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के 47 विधायक उन्होंने बनाए। इस पर अनिल विज ने कहा कि वीरेंद्र सिंह को कांग्रेस से धक्के मार कर निकाल दिया था। हमारी पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया। साथ ही जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें कार्यकर्ताओं की तपस्या और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद की वजह से हमारी सरकार बनी। उनके कहने से क्या बन गया, आप पार्टी में आए और आते ही 47 विधायक बना दिए, ये बात आप किस आधार पर कह रही हैं? देखिए, वीरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस से धक्के मार के निकाल दिया गया था। हमारी पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और हमारी जो सरकार बनी वो कार्यकर्ताओं की तपस्या और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी जी की वजह से हमारी केंद्र में सरकार बनी। भाई, आपके कहने से क्या बन गया? आप कल आए और आपने आके 47 MLA बना दिए, किस आधार पर आप इस प्रकार की बात कर रहे? कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के विधायक पुत्र चिरंजीवी यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद की दावेदारी पेश की। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सपनों में खेल रहे हैं कांग्रेसी नेता और सपने कभी सच नहीं हुआ करते, ये सब बातें सपनों में ही सच होंगी। सपनों में खेल रहे हैं कांग्रेस के नेता और सपने कभी सच नहीं हुआ करते, जी सब कुछ जो ये कह रहे हैं ये सब सपनों में हो रहा है। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल के वायरल वीडियो पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस पर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी सरकार ना बने। मैं तो इस बात को किसी भी हद तक मानने को तैयार नहीं हूँ, बीजेपी की सरकार बनेगी, इसलिए जेपी दलाल के वाक्य का कोई असर नहीं रह जाता है। देखिए, ऐसा प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि हमारी सरकार ना बने। मैं तो इस बात को किसी भी हालत तक मानने के तैयार ही नहीं हूं। हमारी ही सरकार बनेगी, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, इसलिए जेपी दलाल के वाक्य का कोई असर ही नहीं रह जाता। बहरहाल, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। इस बीच सभी पार्टियों में प्रदेश में प्रचार और चुनावी रणनीति बनाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।